अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो है अपलोड की, वो आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद की, तो आज जो है वो मैं आलू गोभी बनाने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो हम देसी चीज़ें खाते हैं वो कोई बहुत बनाना रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ईजीली हर चीज़ बन जाती है, बहुत क्विकली बन जाती है। तो आलू गोभी का आज मैं आपको बताती जाऊँ कि मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आपके सामने रख लिए हैं। मैंने गोभी जो है वो ऑलरेडी जो है वह ऐसे कट करके रख ली है, और आपने भी ऐसे ही छोटे छोटे उसके कटिंग जो है ना वो यूं करनी है, ठीक है। अगर एक आध थोड़ा बड़ा भी रह जाए तो कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल इसी तरह इसी फॉर्म में जो है वो सारी कटिंग करते जाएंगे। उसके साथ हमने जो है वो आलू ले लिए हैं, हमें चाहिए प्याज जो है, अगर उनके साथ ग्रीन अनियंस भी ऐड हों जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला, तो बहुत ही अच्छा रहता है। ग्रीन अनियंस बहुत अच्छे होते हैं। मैंने टमाटो पेस्ट ऑलरेडी रख लिया है। मैंने अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया है। एंड ये बहुत अच्छी टिप होती है कि आप अदरक और लहसुन को पीस के जो है वो फ्रीज़ करके ऐसे क्यूब्स बना के रख सकते हैं, जो आप कभी भी इंस्टेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन चिलीज़ मैंने जो है वो ऐसे आप कट करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ग्रीन चिलीज़ को यूँ 3 to 4 कट्स दे लेती हूँ। इससे भी ज़रा ग्रीन चिली जो है ना वो सालन में पड़ी हुई भी बहुत अच्छी लगती हैं। वो आप कट कर लेते हो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाती हैं, वो चीज़ थोड़ी सी फीलिंग ही नहीं आती कि आपने ग्रीन चिली जो है वो ऐड की हुई हैं कि नहीं। और बाकी स्पाइसेस जो हैं वो ये पड़े हुए मैम, एंड जो फर्दर स्पाइसेस हैं वो हम जो है वो गोभी और सारा कुछ ऐड करने के बाद में ऐड करेंगे। फिलहाल हम जब उसका ग्रेवी बनाएंगे सालन की, तो हम जस्ट हल्दी, नमक और सुरख मिर्च ही ऐड करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रहमान रहीम, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैंने ऑयल जो है वो पतीली में रख लिया था, तो गर्म हो गया। अब आपको इसकी आवाज़ भी आ रही होगी। अब हम इसमें जो है वो अनियंस को ऐड कर देंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई वेजिटेबल बनाने लगते हैं तो कभी भी जो आपके अनियंस हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होने चाहिए, डार्क ब्राउन नहीं होने चाहिए, बल्कि उनको जस्ट आप जो है वो पिंक ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज़ जब अनियंस जल जाते हैं, डार्क ब्राउन हो जाते हैं, तो उसका टेस्ट भी, वो अपने सालन का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाना शुरू कर देता है, और आपको मज़ा भी नहीं आता वो सालन खाने में। चलें जी, ये देखें हमारे प्याज जो हैं वो होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने उनको बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं कर रही हूँ मैं। अभी उनको जो है वो ये देखें, अभी वो लाइट पिंक की फॉर्म में उस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें, आप जब अनियंस को ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेते हैं ना, उसका अरोमा में बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। ये देखें, जब हमारे प्याज जो हैं वो थोड़े लाइट पिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे, देन हम उसमें जो है वो अदरक ऐड कर देंगे। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बना के रख दिया, और आप ये प्रो टिप है, हमेशा याद रखें कि आपके कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आपको फर्दर लहसुन अदरक को पील ऑफ करने में ही इतना टाइम लग जाता है, बाकी तो खाना बनाने का टाइम तो एक अलग हो जाता है। इसलिए हमेशा जो है वो अदरक और लहसुन जो है उनके ऐसे क्यूब्स बना के रख लें और उसे फ्रीज कर लें। बस इंस्टेंटली जब आपने खाना बनाना हो, इंस्टेंटली फ्रिज से निकालें और ये क्यूब्स ऐड कर लें। एंड बिलीव मी, इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ये टिप जो है वो मेरी मदर जो हैं वो यूज़ करती हैं, और उसी टिप को मैं भी फर्दर जो है वो यूज़ करती हूँ। देखिए हमारे प्याज जो हैं वो हो रहे हैं। अब हम इसमें जो है वो टमाटो पेस्ट भी ऐड कर देंगे, और इस क्यूब की बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, ये क्यूब देखिए मेल्ट हो रहा है, हो भी है। चलें, अब इसमें जो है वो हम टमाटो पेस्ट ऐड कर देंगे। देखिए मैंने पेस्ट ऐड किया है क्योंकि आपको पता है कि जो टमाटोज़ हैं वो कभी कभी बाहर पड़े ज़्यादा जल्दी भी ख़राब हो जाते हैं, तो अगर आप ज़्यादा टमाटोज़ ले लिए हैं तो आप उसे फ्रीज़ कर लें और आप इसे पेस्ट बना के जो है वो ग्राइंडर में या ब्लेंडर में पेस्ट बना के यूज़ कर लें। आप कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे पेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। पता क्या है, उससे आपके खाने में रिचनेस बहुत आती है। देखिए अगर मैं कट करके डालती तो ये इतना मज़े का पेस्ट आपको बिल्कुल भी नज़र ना आता, लेकिन मैंने जो है वो उसका पेस्ट बना के ऐड किया है, तो देखें कितनी जल्दी जो है वो ऐड हो रहा है। हम इसे जो है ना कुछ टाइम के लिए स्टेयर फ्राई करेंगे ऐसे। ये देखें, जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तब हम अपनी स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। देखिए जो स्पाइसेस हैं
मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें 3 स्पून डालो 4 स्पून डालो, बिल्कुल भी नहीं। स्पाइसेस हर घराने में डिफरेंट तरीके से ली जाती हैं, तो आप स्पाइसेस जो है वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ही ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा खाना बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जो है वो सुर्ख मिर्च 2 to 3 स्पून ऐड करेंगे। अगर आप सिर्फ 2 या 3 लोगों के लिए खाना बना रहे हो तो सिर्फ 1 स्पून जो है वो ऐड करेंगे। तो इसलिए कंपल्शन नहीं है, ये आप अपनी मर्ज़ी से ही ऐड करेंगे। बस आपने इतना ख्याल रखना है कि जब अब यह मसाला बना रहे हो, आपने गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। अभी जस्ट आपने अपना मसाला जो है उसमें सॉल्ट टू टेस्ट और आपके जो है वो सिर्फ मिर्च पिसी हुई और हल्दी, ये आपने ऐड करनी है। गोभी में जो हल्दी है वो आप थोड़ा हाफ टी स्पून से ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि हल्दी जो है वो गोभी को कलर देती है, ठीक है। ये देखें अभी ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो गया है हमारा मसाला। अब इसमें हम ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, ये देखें। इन ग्रीन चिलीज का पता क्या फ़ायदा है, जब आप खाना सर्व करते हैं ना, सपोज़ आपके गेस्ट आ गए हैं, आपने साथ में कुछ और बनाया है, आप साथ में वेजिटेबल्स रख रहे हो, तो जब आप खाना, आप ये सब्ज़ी निकालोगे बाउल में, तो ये ग्रीन चिलीज वैसे ही आपको ऊपर पड़ी हुई नज़र आएंगी और बहुत अच्छा लुक देती है। ये देखिए मेरे सालन में बहुत अच्छी लग रही है, कितना फ्लेवर और कितना कलर दे रही है ये। चलो जी, हमारा मसाला पकना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें जो है वो अब इसमें आलू और गोभी हम दोनों ऐड कर देंगे। ये जी हमारे पोटैटोज जा रहे हैं अंदर, ठीक है। अब हमारी जो गोभी है वो भी हम लेकर जा रहे हैं। एंड प्रो टिप मैं आपको एक ये भी दे रही हूँ कि गोभी जो है, सपोज़ अगर आपने गोभी कल ली है सब्ज़ी वाले से, आप किसी वजह से जो है वो नहीं पका सके, तो आप उस गोभी को ऐसे काट के और फ्रीज कर लें, फिर आज के खाने के अंदर जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये देखिए हम जो है वो अब इसको देखें कितना मज़े का, जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो कितने मज़े का कलर देना स्टार्ट हो गई है। अब हम जब गोभी को मिक्स करिए, देखें हमारी सब्ज़ी मिर्ची कितना खूबसूरत कलर ऐड कर रही है, आप देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। मसाला आपके जो मसाला या ग्रेवी जो है वो जितनी अच्छे तरीके से बनेगी उतने ही अच्छे तरीके से आपकी हर चीज़ बनेगी। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप चम्मच अंदर यूज़ करेंगे तो आपने उसे बिल्कुल बहुत ज़ोर ज़ोर से बिल्कुल नहीं मारना, क्योंकि गोभी जो है वो टूट जाती होती है, बहुत प्यार से बहुत आराम से। चले जी, अब हमारे स्पाइसेस की बारी आ चुकी है, मैं आपको बताती जाऊँ। ये जो है हमारा पिसा हुआ धनिया है, ये हमारा गरम मसाला है, दिस वन इज़ ब्लैक पेपर, और ये कलवंजी। एंड प्लीज़ कलवंजी हमेशा अपने खाने में ऐड करें, कलवंजी जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अहादीस में भी इसका बहुत कहा जाता है, ठीक है। इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा छुपी है। चलें बिस्मिल्लाह, हमने अपने स्पाइसेस को ऐड कर दिया। अब हम अपने स्पाइसेस को इसके अंदर स्पून, ये देखिए आपने चम्मच बहुत आराम से जो है वो यूज़ करना है। चले जी, हमारा जो है वो नेक्स्ट है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है वो गोभी के सालन में हमेशा ऐड करते हैं, इससे इतना मज़े का जो है वो आरोमा पैदा होता है। चले जी, कसूरी मेथी जो है वो हमने ऐड कर ली है। कसूरी मेथी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, हर सालन जो है वो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। कसूरी मेथी जो है वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, आपने जो है वो 3 to 4 चुटकियाँ डाल लेनी आपने, ठीक है, कम करके। ज़ीरा भी हमारा लास्ट आइटम है, वो हम अभी नहीं डालेंगे। ज़ीरा हमेशा हर खाने में, जब आपका खाना ऑलमोस्ट रेडी होने लगता है उस टाइम जो है वो आप ज़ीरा जो है उसके ऊपर यूज़ करेंगे। ये देखें, चम्मच हमेशा प्यार से हिलाना है, आपने ज़ोर ज़ोर से चम्मच बिल्कुल भी नहीं मारना, क्योंकि इससे जो है वो सब्ज़ी टूट जाएगी, कोई भी सब्ज़ी होगी वो टूट जाएगी। चले जी, अब हम जो है वो इसको 1 to 2 मिनट के लिए दम देंगे, ताकि हमारी सब्ज़ी जो है वो थोड़ी सी गल जाए। ये देखिए हमने इसको दम दे दिया। चले जी, अब हम 1 to 2 मिनट रेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो हम इसको ओपन कर। चले जी, ये देखिए मैंने आपको कहा था कि आप इसे 1 to 2 मिनट्स जो है वो कवर करके रख दें, लेकिन ये है कि आपने ये भी देखना है कि आपका सालन जो है वो प्रॉपर तरीके से गल गया है कि नहीं, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि जब आपका सालन या सब्ज़ी जब ऐसे घी छोड़ दे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सालन जो है वो गल चुका है। चले जी, अब हमारे ज़ीरे की बारी आ गई है, अब हम इसमें जो है वो पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे।
चलें जी, ये गया हमारा ज़ीरा। अब हम जो है वो इसको मिक्स कर लेंगे स्पून के साथ। और देखें, आप नोट कर सकते हैं कि मेरा जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल भी नहीं टूटी। चलें जी, अब हमारा ऐसे जो है वो प्लेट में निकालने का टाइम हो गया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। चलें जी, अब हमारा जो है वो हर चीज़ बिल्कुल रेडी है। हमारा सालन जो है वो आप देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत शक्ल है। देखा, मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप जो है वो ग्रीन चिलीज़ जो हैं, अगर उन्हें आप इस तरह से कट करके हांडी के अंदर यूज़ करेंगे, अपने सालन के अंदर यूज़ करेंगे, तो जब आप उसे डिश आउट करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से लुक देगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। जब हमारा सालन बन रहा था तो मैंने जल्दी से जो है वो अपना मिंट रायता रेडी कर लिया। ठीक है, ये स्पेशल रायता बनाने की रेसिपी भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी बिल्कुल। और ये हमारा सैलेड और साथ में जो है वो हमारी रोटी जो है वो भी बिल्कुल तैयार है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह जो है वो आप मेरी वीडियोस को प्यार देते रहिएगा और मैं ऐसी ही हर सिंपल रेसिपी को आपके साथ शेयर करती रहूँगी, सो दैट कोई भी चीज़ आपको मुश्किल ना लगे। मैं आपकी हर मुश्किल चीज़ जो आपको लगता है कि ये वेजिटेबल बहुत मुश्किल कुक होता है, मैं उन सारी चीज़ों को बहुत ही सिंपल कर दूँगी। बस इसके लिए आप मुझे हमेशा से इनक्रेज और इन्हेंस करते रहिएगा। आपका जो प्यार है वो हम यूट्यूबर्स को ही आपके साथ अपनी जो है वो फेवरेट चीज़ें शेयर करने का जो है मौका देता है। तो प्लीज़ आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इनक्रेडिबल थिंग्स को हमेशा जो है वो प्यार देते रहिएगा। इसके साथ ही जो है वो अपनी नेक्स्ट रेसिपी फिर नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।